सीआरपीएफ के कमांडेंट कुमार मयंक के दिशा निर्देश पर सीआरपीएफ के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बांके बाजार थाना अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनदाहा परिसर में जंगली क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित इलाकों के सुदूर गांव पीपरा टांड बनकट मुरकटिया के जरूरतमंद लोगों के बीच निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। मौके पर डिप्टी कमांडेंट अमिताभ कृष्ण ने बताया कि कैंप अंतर्गत मेडिकल कैंप में चिकित्सा जाँच के बाद स्थानीय लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गयी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के बीच सोलर लैंप का वितरण किया गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग के घर में बिजली नहीं है, अंधेरा होने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोनदाहा में हमारी जो एफ कंपनी है उसके तत्वावधान में कमांडेंट श्री कुमार मैंक 159 बटालियन के निर्देशानुसार सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत दो कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एक मेडिकल कैंप था, दूसरा सोलर लैंप डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था। मेडिकल कैंप हमारे दो अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर उपासना और डॉक्टर काशिफ के द्वारा ग्रामीण जनता का निःशुल्क जांच करके उनका इलाज किया गया, और दूसरा जो कैंप था जिसमें सोलर लैंप डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिन जिन गाँव में बिजली थोड़ा कम है या नहीं है उन जरूरतमंद लोगों के लिए सोलर लैंप का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हाँ, अथी से लाइट मिला है, बाल बच्चा पढ़ने के लिए अनहार घर था, सीआरपीएफ द्वारे हमरा लाइट मिला और अनहार घर में रहते हैं बाल बच्चा के पढ़ावे खातिर।